तो डायमंड हेड जो एलियन बैन का बहुत बार साथ दिया है, चाहे वो मेन विलन विलगैक्स रहे या फिर कोई और। वैसे ये तो ऑफ टॉपिक हो गया। तो इस वीडियो में होगा डायमंड हेड के ट्रांसफॉर्मेशन का ब्रेकडाउन, वो भी चारों सीरीज का, मतलब क्लासिक, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन प्लस ओमनीवर्स। रिबूट का नहीं होगा क्योंकि दैट्स नॉट अ सीरीज। सबसे पहले 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 लाइक करो यार, लाइक करो, लाइक के में 1656 लाइक, वीडियो को अभी लाइक कर दो, नहीं तो फिर वीडियो में खो जाओगे और भूल जाओगे लाइक करना, और एंड तक तो तुम देखते नहीं हो कि जो उसमें मैं बोलूंगा तो तुम लाइक करोगे। और रही बात सब्सक्राइब की, तो सब्सक्राइब भी मस्ट, सब्सक्राइब तो सबसे ज्यादा जरूरी है काम। 79.9% व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो अब बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं कॉपी नहीं कर रहा हूं, तो चलो चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लासिक से शुरू करेंगे, क्योंकि जो मजा शुरू से शुरू करने में है वो बीच से या फिर एंड से नहीं है, समझ रहे हो ना। सो पहले तुम लोग ये क्लिप देख लो, उसके बाद मैं करता हूँ ब्रेक डाउन। ब्रेकडाउन से पहले ये देख लो, यहाँ पर बेन बोलता है इट्स एलियन टाइम, लेकिन एलियन फोर्स में बोलता है इट्स हीरो टाइम। तो तुम्हें पता है कैसे, तो बताओ यार कमेंट में। नहीं सच में बताओ यार, कमेंट फ्री है तुम्हारे लिए ही तो फ्री किया है कमेंट, जल्दी बताओ। तो बेन जैसे ही ओमनीट्रिक्स को पुश करता है, वैसे ही वो वाला हाथ उसका पूरा सेल ट्रांसफॉर्म हो जाता है क्रिस्टल में, और उसके बाद हमें फिंगर दिखाया जाता है जो कि पूरा अंत तक होने के बाद वहां पर आता है हेड वाला पार्ट, जो कि फेस वाला भी उसका उसी में होता है चेंज। फिर फेस के बाद थोड़ा सा जूम करके हमें आई ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, जिसमें का पपिल ऊपर चला जाता है और फिर येलो आई हो जाता है उसका बस। फिर जैसे ही कैमरा का एंगल चेंज होता है, बेन का दोनों आई डायमंड हेड के आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और साथ में अब उसका हेड भी डायमंड हेड जैसा दिख रहा है। और उसके बाद जब कैमरा रोटेट करता है तो उसके पीठ का पार्ट दिखाया जाता है, जिसमें उसका बैक शॉट ग्रो हो रहा था। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो ग्रो हो जाता है और उसके साथ साथ कैमरा भी चेंज हो रहा था, कैमरा का एंगल भी चेंज हो रहा था, और अब ऑलमोस्ट बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो ही चुका था। बट कुछ नहीं, उसके बाद देखो हाथ से एक होता है और ट्रांजेक्शन, और उसके बाद वो घूमता है एंड देन बेन पूरी तरह से डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था चुका था। और रही बात ओमनीट्रिक्स की, तो वो उसके चेस्ट के लेफ्ट तरफ था, और साथ में ये भी देख लो जरा सा कि ब्लैक एंड व्हाइट है, जो उसका टी शर्ट का कलर है वही इसका भी, मतलब इसका भी कलर कपड़े का है, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। देन वो एक और राउंड लगाता है, तब जाकर वो पूरी तरह से डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो उस बार भी हुआ था लेकिन उतने अच्छे से नहीं, क्योंकि उसका बैक बॉटम शॉट नहीं निकला था, लेकिन इस राउंड में वो भी निकल जाता है। शॉट पता है ना, और शॉट से याद आया ना टेट्रेक्स शॉट, उसका नाम टेट्रेक्स है, लेकिन शॉट उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके पीछे शॉट है, समझ गए अब ना। तो ये तो हो गया बेन 10 क्लासिक वाला डायमंड हेड का ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन अभी बाकी है एलियन फोर्स का, मतलब इसके बाद आता है एलियन फोर्स सीरीज। एंड एलियन फोर्स में ओमनीट्रिक्स रिकैलिब्रेट हो गया था, मगर तब भी उसके अंदर डायमंड हेड का डीएनए था, मगर अब तुम्हें पता ये कैसे था। तो अब चलो चलते हैं एलियन फोर्स के डायमंड हेड का ट्रांसफॉर्मेशन वाले वीडियो पर। तो बैकग्राउंड में रेड ब्लड सेल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था एज अ ग्रीन कलर, और उसके बाद आता है बेन, जिसका कि एक्सरे व्यू दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बेन के चेस्ट का बोन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था कुछ ऐसे पर, एंड हाँ वो बोन ही नहीं रहा, वो अब बन चुका है डायमंड हेड का क्रिस्टल, जो कि अब धीरे धीरे उसे डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म करेगा। एंड इसके बाद होता है एक ट्रांजिशन, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बेन के बैक का सीन, जिसमें उसका शॉट ग्रो हो रहा था, वो भी एक नहीं दोनों, मतलब दोनों का मतलब दो पेयर, एक ऊपर वाला जो कि लार्ज था और नीचे वाला जो स्मॉल था, दोनों। फिर सीन शिफ्ट होता है बेन के कलाई पर, जो कि अब वो डायमंड हेड के कलाई में ट्रांसफॉर्म हो गया था। फिर उसके बाद एक और ट्रांजिशन, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बेन के हेड का पोर्शन, जिसमें बेन के हेड के साथ साथ उसके आई नोज माउथ भी ट्रांसफॉर्म हो रहे थे डायमंड हेड में। फिर थोड़ा सा जूम होता है और उसके बाद एक और ट्रांजिशन आता है, और अब बेन पूरी तरह से डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था ऑलमोस्ट, हाँ। और इस बार अगर बात करें तो बेन के चेस्ट पर भी दो शॉट था, देख रहे हो तुम खुद ही। एंड उसका ओमनीट्रिक्स अब चेस्ट के लेफ्ट में ना होकर चेस्ट के बीच में बॉटम में था। एंड बस यही तक था एलियन फोर्स वाले डायमंड हेड का ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब आता है अल्टीमेट एलियन वाला सीरीज, जो कि आता है एलियन फोर्स सीरीज के बाद। ये कोई सेंस नहीं बनाया, सॉरी। एंड एक मिनट मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अल्टीमेट एलियन सीरीज
सीरीज का डायमंड हेड नहीं ले रहा हूँ, मतलब ले रहा हूँ लेकिन मैं सीरीज का नहीं ले रहा हूँ बल्कि मूवी का ले रहा हूँ, जो कि क्रॉस ओवर मूवी है बेन जेन टेन, नहीं बेन टेन जनरेटर लक्स हीरो यूनाइटेड वाली मूवी का ले रहा हूँ। हाँ बिकॉज मुझे सीरीज वाला मतलब अच्छा नहीं लगा, मुझे ये बात नहीं है बल्कि मुझे मिला ही नहीं यार। सीधे सुनो तो आओ पहले वीडियो देख लो और उसके बाद करते हैं ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर जब सीजर रेक्स पर अटैक कर रहा था तब बेन हीरो बना और उसको धक्का देकर खुद डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो गया, और वही ट्रांसफॉर्मेशन तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो जैसे ही बेन ओमनीट्रिक्स पर हाथ लगाता है उसमें से एक रोशनी आती है जो कि ट्रांजिक्शन का काम करती है, और उसके बाद में वही चीज दिखाया जाता है जो कि एलियन फोर्स में दिखाया गया था। हाँ, रेड ब्लड सेल का ट्रांसफॉर्मेशन एज ग्रीन कलर। लेकिन एलियन फोर्स से यहाँ पर एक चेंज हुआ है कि बेन इसमें डायरेक्ट आ जाता है और वहां पर बेन आया आता हुआ दिखाया जाता है, एंड यहाँ पर हमें डायरेक्ट हेड का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है एज एक्सरे। फिर सेम एलियन फोर्स जैसा ही उसका हेड ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब हेड आई नोज माउथ ये सब। फिर एक ट्रांजेक्शन आता है और उसके बाद हमें बेन के बैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सेम वैसा एलियन फोर्स जैसा ही बेन के पीछे से मतलब पीठ में से शॉट निकल रहा था। पीछे से कुछ और मत समझ लेना, बता दे रहा हूँ पहले ही डिस्क्लेमर। और ये कौन है यार अमित कुमार, साइज डजंट मैटर। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुम चाहे 3 फीट के रहो या फिर 6 फीट के, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहोगे तुम इंसान ही, साइज डजंट मैटर। देन उसके बाद उसका शार्ड उग जाता है, वो भी तीन तीन, शायद एलियन फोर्स में भी 3 थे, मैंने 2 ही देखा था लेकिन इसमें 3 है ये मैंने गौर किया है। फिर सेम वैसा ही बेन का कलाई डायमंड हेड के कलाई में ट्रांसफॉर्म हो गया, एंड उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन और अब बेन पूरी तरह से डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो गया था, एंड ट्रांसफॉर्म होते होते ओमनीट्रिक्स में से लाइट आया, मतलब जो लाइट स्टार्टिंग में निकला था वही लाइट अब तक भी था, मतलब उतना समय तक था। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये कुछ टाइम के लिए होता है, मतलब बहुत कम, मान के चलो 1 सेकंड भी नहीं रहता है, लेकिन बस दिखाया जाता है कि तुम लोग देखो कि कैसे हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। तो यार अब देखो वीडियो लंबा हो रहा है तो जल्दी से चलो ओमनीवर्स वाले सीरीज के डायमंड हेड वाले ट्रांसफॉर्मेशन में और उसके बाद जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं। तो पहले वीडियो देख लो और उसके बाद करते हैं ब्रेक डाउन। हाँ तो यार कुछ भी कहो लेकिन जो ओमनीवर्स सीरीज के ट्रांसफॉर्मेशन का साउंड इफेक्ट है ना वो ओपी है, मतलब नेक्स्ट लेवल का जाता है ये, क्योंकि एक एक मतलब इतना क्लियर मैं समझा नहीं सकता तुम्हें कितना अच्छा है। तो चलो चलते हैं ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे ही बेन ओमनीट्रिक्स को हिट करता है उसमें से एक रोशनी निकलता है जो कि ट्रांजिक्शन का काम करता है, एंड उसके बाद बेन के बाजू पर से हाथ तक और फिर उसके बाद कलाई पर जाता है डायमंड हेड का क्रिस्टल, एंड उसके बाद तुम खुद ही देख रहे हो कि कैसा ये एकदम 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 कांटे जैसा, देखो पहले कांटे जैसा निकलता है और उसके बाद ही बेन का पूरा हाथ डायमंड हेड के हाथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफॉर्म। देन वैसा सेम लेफ्ट वाले हाथ में भी होता है और वो भी उसका डायमंड हेड वाले हाथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देन सेम जैसा हाथ में उसका हुआ था वैसा पैर में भी हुआ कांटे जैसा, और उसके बाद उसका पैर भी डायमंड हेड के पैर में ट्रांसफॉर्म हो गया, दोनों का दोनों। एंड अब ऑलमोस्ट बेन का पूरा बॉडी डायमंड हेड के बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया था, लेकिन हेड को छोड़कर तो अब हेड भी बेन का डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है कुछ ऐसा। देन उसका आई भी लाइटनिंग के साथ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एंड अब बेन पूरी तरह से डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से। इतना सारे सीरीज में उसका शार्ट दिखाया गया लेकिन ओमनीवर्स वाले सीरीज में नहीं दिखाया गया, बस हाथ पैर एंड हेड बस उतना ही दिखाया गया, और उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया डायमंड हेड में। एंड रही बात ओमनीट्रिक्स की तो तुम खुद ही देख सकते हो यार कहां पर है उसका ओमनीट्रिक्स, और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम देख रहे हो कमर के पास है जहां पर बेल्ट लगता है, बेल्ट की तरह है ही है, ठीक है। और अब कोई ऐसा वैसा कमेंट मत करना। तो बस ये खत्म हो चुका है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो आज का वीडियो खत्म हो चुका है। लेकिन अब एक तुम कष्ट करो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो प्लस सब्सक्राइब शेयर भी, क्योंकि यार वीडियोस पर व्यू नहीं आ रहे हैं, क्या कर रहे हो। और हाँ इस वीडियो का लाइक एम है 1656 लाइक, इससे कम भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इससे ज्यादा करोगे तो दिक्कत, ये मैं उल्टा बोल दिया। और रही बात सब्सक्राइब की तो वो तो मस्ट है भैया, करना ही है तुम्हें, करो क्योंकि देख रहे हो 79% व्यूअर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, मुझे देखकर मैं बस इसे देखकर रोना आता है मेरे आंखों में आंसू। एंड कमेंट में एक चीज और बता देना कि इसके बाद तुम्हें नेक्स्ट वीडियो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेकडाउन का आएगा तो किस एलियन पर चाहिए, ये तुम कमेंट करना, और जिस एलियन का सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगा, पक्का देख लेना। तो अब बस ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, बाय।